दक्षिण में भगवान जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा की तर्ज पर हमीरपुर में भी गत 18 सालों से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हमीरपुर के शिव मंदिर परिसर से श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ दंगड़ी के सौजन्य से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये रथ यात्रा हमीरपुर शिव मंदिर से शुरू होकर करीबन 14 किलोमीटर दूर दंगड़ी के पास समापन हुई, जिसमें हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर शिव मंदिर परिसर से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भी समापन किया गया। रथ यात्रा में हजारों की तादाद में भक्तजनों ने हिस्सा लिया। रथ यात्रा में हमीरपुर ही नहीं अपितु हिमाचल के बाहरी राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड, देहरादून, चंडीगढ़ से भी भक्तजनों ने भाग लिया। रथ यात्रा के दौरान शिव मंदिर से निकलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचने पर यातायात भी बाधित रहा, जिसको बहाल करने के लिए पुलिस कर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं रथ यात्रा के दौरान जगह जगह पर भक्तजनों द्वारा ठंडे पानी की छबीलों के साथ साथ जलेबी व प्रसाद का भंडारा भी लगाया गया। देहरादून से आए हुए भक्तजनों ने बताया कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा में आकर भक्ति में डूबकर अलग अनुभूति मिल रही है। हम लोग पिछले कई सालों से, लगभग 23 सालों से रथ यात्रा जगन्नाथ जी की मना रहे हैं। ये उड़ीसा में पहले जगन्नाथ जी जो हर साल रथ यात्रा होती जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ जी 8 दिन के लिए अपनी मौसी के घर माने की वृंदावन में जाते हैं। ऐसा भाव है भक्तों का कि भगवान द्वारिका आए वृंदावन से, और हर साल द्वारिका से 8 दिन की छुट्टियों में ये अपनी मौसी के घर जाते हैं। तो आज जो जगन्नाथ जी हैं अपनी मौसी के घर में 8 दिन के लिए वहाँ पे रहेंगे, और हम लोग यहाँ पे पुरी की तरह ही, पुरी को जगन्नाथ पुरी में जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं उन्हीं का सेम इसी प्रकार से जो विग्रह है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी इन्हीं विग्रहों को हम लोग सभी भक्तजन जगन्नाथ जी के इस रथ में इन विग्रहों को लेके हमारे जो दंगड़ी में चैतन्य महाप्रभु गौड़ी मठ दंगड़ी में जो है उस मंदिर में बड़े धूमधाम से इस विग्रहों को ले जाएंगे। हमीरपुर में आए आप पहली बार? नहीं, मैं कई सालों से आ रहा हूँ। मैं 18-19 सालों से तो आ ही रहा हूँ, और 23-24 साल इस रथ यात्रा को हो गए हैं लगभग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और यहाँ पे हमारे कई विदेशों से ही भक्त लोग आते हैं, और अभी आएंगे कुछ, रस्ते में भी हैं तो पहुँच रहे हैं। देश विदेशों से लोग यहाँ पे आते रहते हैं हर साल। हम पंजाब से जेजों के पास डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर पिंड महदूर से आए हैं। ये गुरु महाराज जी हमारे पास पिछले 6 साल से कथा कर रहे हैं। हम 6 साल से यहाँ पर हमीरपुर में रथ यात्रा के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ 10-15 लोग आए हैं हम वहाँ से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पुरी ना जाके आप हमीरपुर आए हैं, इस बारे में कुछ कहेंगे? हाँ जी, जगन्नाथ पुरी में ना जाके हमीरपुर में ही आ रहे हैं पिछले 6 साल से। ही जय ही जगन्नाथ जी है, जय ही। बोलिए जी, बोलिए। अच्छा, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा सारे लोगों का सहयोग रहता है। हम दंगड़ी तक रथ के साथ ही पैदल चलते हैं इसके साथ। गांव छतौली है सर हमारा। हाँ जी, और जब से रथ यात्रा हो रही है हम हर साल आते हैं यहाँ। हाँ जी, कैसा लगता है? क्या करते? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, आज जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा है, और इसका महात्म ये है कि आज जगन्नाथ जी सभी भक्तों को, कोई भी हो, सबको बाहर आके दर्शन देते हैं। ये बहुत ही पावन और पुण्य अवसर है। इस मौके का सबको फायदा उठाना चाहिए, सबको लाभ लेना चाहिए। किस तरह मनाएंगे आप? हम इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। जैसे लोग अपने घरों में विवाह शादियों की त्योहारों की योजना पहले बना के रखते हैं, पहले से ही प्लानिंग करते हैं, हम इसके लिए खूब भव्य तैयारियां करते हैं। हमीरपुर में जो रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी बाहर आकर के सब लोगों को दर्शन देते हैं, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सभी हमीरपुर वासियों से, इधर उधर सभी लोगों से अनुरोध है कि सब इस भव्य रथ यात्रा का, जगन्नाथ जी का दर्शन करें और अपने जीवन को सफल। वहीं चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ के पदाधिकारी गिरी महाराज ने बताया कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं, और रथ यात्रा का आयोजन बढ़िया से हुआ है। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा में हजारों की तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं। हमीरपुर में भगवान श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा भव्य रूप से निकाली जाती है। ये रथ यात्रा श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ सेवा ट्रस्ट दंगड़ी की तरफ से निकाली जाती है। ये विश्वभर में काफ़ी जगह रथ यात्रा होती है,
मेन तो हमारा जगन्नाथपुरी में है, जो जगन्नाथ जी उड़ीसा में विराजमान है वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। तो 19 साल से हमीरपुर में गुरुदेव की कृपा से, हमीरपुर वासियों के सहयोग से ये रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाए, जो कि आप देख रहे हो रथ यात्रा में आए हुए भीड़, यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, वृंदावन से कुछ महात्मा लोग आए, कुछ लोग तो कलकत्ते से स्पेशल रथ यात्रा के लिए आए, पुरी ना जाके रथ यात्रा विशेष हमीरपुर के लिए आए, कुछ लोग आपके देहरादून से आए, कुछ लोग आपका दिल्ली, उसके बाद सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, जलंधर और अमृतसर, लुधियाना इत्यादि अनेक शहरों से आए हुए, तो भगवान जगन्नाथ की कृपा पाने के लिए, क्योंकि इस दिन में बोलते हैं शास्त्रों में लिखा है कि रथेतु बामनम दिष्टम पुनम जनना विद्वते, जो भगवान श्री जगन्नाथ को रथ में विराजमान दर्शन करेगा उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए भक्त लोग अपनी श्रद्धा के साथ, इतनी कड़ाक धूप के साथ भी अपनी श्रद्धा सहित यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब रथ चलेगा, कोई आरती लेके आया है, कोई भोग लेके आया है, भगवान के तत्पर में लगे हुए हैं, गुरुदेव भी प्रवचन किए जा रहे हैं, तो अभी रथ हमारा चलने वाला है। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रथ यात्रा का जो सफ़र रहेगा इस बार शिव मंदिर से स्टार्ट होकर भोटा चौक, नदौन चौक, बस स्टैंड नदौन चौक, गांधी चौक, सब्जी मंडी होते हुए पुणे बस स्टैंड, फिर नदौन चौक, फिर पेट्रोल मिल्कीराम पेट्रोल पंप, उसके बाद आपका पुणे फिर घूमे लौटेगा, फिर नदौन चौक होते हुए हीरानगर हाइट्स, हीरानगर हाइट्स जो होटल है उसके सामने डाक वाली गली से ऊपर चढ़ेगा, हीरानगर घूमते हुए पक्का ब्रो घूमते हुए पक्का ब्रो से फिर रथ चलेगा तो जोड़छप्पड़ से जगन्नाथ जी को जो भव्य रथ वो मंदिर बना हुआ है दंगड़ी में, वहाँ भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन में विराजमान हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ एक बार ही साल में निकलते हैं, क्योंकि भगवान साल में इसलिए निकलते हैं कि भक्त लोग जो जा नहीं पाता है अपने घर मंदिर में तो बोलते हैं मैं आके उनको दर्शन दूंगा, इसलिए जगन्नाथ जी यहाँ आकर सब भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही रथ यात्रा होती है। बोल जगन्नाथ भगवान की, बोल चेतन। गौरतलब है कि आज ही के दिन दक्षिण में पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है और हमीरपुर में भी इसी तर्ज पर हर साल श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़िया मठ दंगड़ी धाम के द्वारा भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तजन रथ को रस्सी से खींचकर अपनी भक्ति का परिचय देते हैं।